परेड के दौरान आयोजित 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली 9 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। रायबरेली में परेड के अवसर पर क्षेत्र अधिकारी लाइन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड के दौरान पुलिस कर्मियों के शारीरिक फिटनेस, व्यक्तित्व विकास, मानसिक सुदृढ़ता, उच्च स्तरीय अनुशासन, कर्तव्य के प्रति निष्ठा व ईमानदारी में सापेक्षिक व उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु बलवा ड्रिल, वेपन ड्रिल, स्क्वाड ड्रिल, यातायात नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें थाना पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं, डायल 112, यातायात शाखा, अग्निशमन शाखा के कुल 175 पुलिस कर्मियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी लाइन द्वारा टोलीवार 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 9 पुलिस कर्मियों, जिनमें एक निरीक्षक, 4 आरक्षी, 4 महिला आरक्षी को पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करते हुए निरंतर इसी तरह कर्मठता से शारीरिक फिटनेस बनाए रखने व कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु हौसला अफजाई किया गया। उनके भविष्य उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं उन्हें दी गई। आज फ्राइडे की परेड में मेरे द्वारा एक दौड़ का आयोजन कराया गया था, जिसमें जितनी भी टोलियां थीं उन सबको कहा गया था कि आप बिना वेपन के आप दौड़ें, और उसमें जो प्रथम स्थान जिस जिस टोली से जिन लोगों ने नहीं पाया उन सबको आज बुलाकर सम्मानित किया गया है। महिला की जो महिला आरक्षकों की जो टीम थी उसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान तीनों को पुरस्कृत किया गया है, और बाकी टोलियों से जो टॉप रनर था उनकी टाइमिंग के हिसाब से उनको पुरस्कृत किया गया है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य यह है कि लोगों के अंदर अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने फिटनेस के लिए जागरूकता पैदा हो, और ताकि पूरा पुलिस फोर्स स्वस्थ रह सके और उससे पुलिस कार्य निश्चित रूप से बेहतर हो पाएगा।